बरसों से कमाया धन एक पल में राख के ढेर में बदल गया। जीवन की जमा पूंजी को एक आग ने स्वाहा कर दिया। बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई की चिंता में एक एक पाई जोड़कर रखा था। अचानक लगी आग ने सपनों के आशियाने सहित घर का एक एक सामान और लाखों रुपए जला दिए। भुरखुंडा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर पंचायत में एक घर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा घर जलकर राख हो गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये आग लगी कैसे। ये ना तो शॉर्ट सर्किट था, ना रसोई गैस लीक हो रहा था। पड़ोसी भी हैरान है कि आखिर ये आग कैसे लग गई। जब तक कोई कुछ सोच पाता, आग ने सब कुछ जला दिया था। इस आग ने 4 लाख नगद जला दिया, जिससे परिवार ने जमीन बेचकर बेटी की शादी के लिए रखा था। साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सभी कागजात जल गए। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इधर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। सामान सारा टोटल सामान जल के राख हो गया। आग कैसे लगा इसका पता नहीं। अभी तुरंत खाना बना के हमारी दीदी घर से बाहर गई है और उसके बाद तुरंत आग लग गया। कैसे, क्या क्या नुकसान हुआ? टोटल घर का टोटल घर में कुछ नहीं बचा। ना पलंग बचा है, ना बक्सा बचा है, ना ही गैस बचा, कुछ भी नहीं बचा। सारा जल के राख हो गया। अब इस गरीब के लिए क्या कर सकते हैं सरकार, कीजिए। घर का मुखिया का नाम क्या है? घर के कौन सी नाम जी के? लाल बिहारी ठाकुर हुआ। कैसे आग लगा जानकारी मिला? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। घर में उसको कोई था नहीं? घर में कोई नहीं था। घर में अभी तुरंत खाना बना करके और निकली थी दीदी। बाहर गर्मी था तो बाहर बैठ सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ नहीं पता, पूरा डिटेल बताइए ना क्या क्या बोले। सब चीज, टोटल चीज, एक बूंद भी सामान नहीं बचा मेरा घर में। ना खाने का, ना पान, ना पहनने का, और ना कुछ भी नहीं बचा। टोटल चीज जल गया। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं। आप लोग तो खुद देख लीजिए। पैसा कितना था? पैसा 4 लाख था। लगभग कितना होगा संपत्ति अंदाजा? उतना ही 4 लाख का सम्पत्ति। मतलब हम जमीन का डील करके आए थे ना, तो उसी का पैसा रखे हुए थे। कैश था ना पैसा? हाँ कैश था। घर का सामान लेकर लगभग अंदाजा कितना होगा? जो अब आप लोग अंदाजा लगाइए सर, हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग आइए। सुन रहे हैं कि बेटी के शादी के लिए पैसा लाया था? पैसा था, क्या कहते हैं, कपड़ा लाता, सब साड़ी उड़ी सब खरीदे उड़दे थे। चलो धीरे धीरे, गरीब आदमी धीरे धीरे जोड़ता है ना। कुछ सामान नहीं बचा सब। उसमें लाइन था घर में? नहीं तो लाइन कुछ नहीं। नहीं कहाँ लाइन है, ये नहीं है तो पूरा। उस वक्त आप कहाँ थे आप लोग? अरे यही सामने थे, घर के बगल में सामने ही बाहर बैठे हुए थे। अंधेरा लाता लाइन कट जाता है, लाइन तो अंधेरे में कहाँ रहेंगे, बाहर में बैठे हुए थे। किसी पर संदेह है आप लोग का? सर मामला क्या है? जी सर, जैसे कि हम लोगों को 7 बजे परिवहन सूचना मिला। हम लोग सूचना मिलने के तुरंत निकले हम लोग, लेकिन जाम में हम लोग फंस गए। जल्दी से उतना पहुंचने नहीं सके, तो पर भी हम लोग बहुत ही स्पीड आए हैं। जाम कहाँ का था? जाम ये भूरकुंडा चौक में भी जाम लगा है, वहाँ से धीरे धीरे हम लोग आए, इसलिए उतना जल्दी नहीं पहुँच पाए हम लोग। आपका परिचय? मेरा खिलाराम हंसदा। कोटा जैसी पढ़ाई अब गोड्डा में। द सॉल्यूशन हब लाया है मौका। नीट जेई के लिए सैकड़ों किलोमीटर जाने की नहीं है जरूरत। अब आप घर पर रहकर क्रैक कर सकते हैं नीट जेई। रेजोनेंस की डिस्टेंस लर्निंग देगी आपको स्मार्ट क्लास वाली स्मार्ट शिक्षा, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट के साथ क्वालिटी टीचर की गाइडेंस। अगर आप हो अपने स्कूल के top 3 स्टूडेंट्स तो मिलेगा आपको 80% तक की छूट। आज ये एडमिशन कराएं रेजोनेंस में, ताकि बना सकें एक सुनहरा भविष्य। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9798556037 पर। हमारा पता है प्रोफेसर कॉलोनी गोड्डा।